मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं अपने आशीष वचनों के लिए। परम वैभवम नेतु मेतत स्वराष्ट्रम की कल्पना को साकार करने के लिए, अपने उद्वत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर पल चिंतन मनन करने वाले हमारे जननायक परम आदरणीय परम श्रद्धेही प्रधान सेवक हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष मनाया जा रहा है। आज विक्रम संवत 2081 का पहला दिन है। मैं समस्त देशवासियों को गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, चेटीचंड, नवरे के साथ साथ साजीबू चेरोवा नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गई है। देश भर में शक्ति की उपासना, उसकी धूम मची हुई है। नवरात्रि का पर्व हो, हर कोई भक्ति में डूबा हुआ हो, शक्ति उपासना में जुड़ा हुआ हो, ऐसे समय इतनी बड़ी रैली, ये अपने आप में एक अजूबा है। क्योंकि मेरा जब कार्यक्रम बन रहा था तो मैंने कहा, भाई नवरात्रि है, लोग कैसे आएंगे? उन्होंने कहा, साहब बस आप डेट दे दीजिए। और इतने कम समय में नवरात्रि के पावन पर्व पर भी इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने आए। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद दे रही है। मैं सभी सिख गुरुओं को भी नमन करता हूं। कुछ ही दिन में बैसाखी भी आने वाली है। मैं आपको बैसाखी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यहां पीलीभीत के साथ ही बरेली की जनता जनार्दन के दर्शन का भी सौभाग्य मिला है। और सब दूर एक ही संदेश है, बहुत ही स्पष्ट संदेश है, एक ही गुंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार। साथियों, हम बचपन से सुनते आए हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन तय में बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं।
ये बोल भारत की वीर परंपरा के प्रतीक है। ये बोल दिखाते हैं कि लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, भारत अगर ठान लेता है तो सफलता हासिल करके रहता है। आज इसी प्रेरणा से, इसी ऊर्जा से भारत के लोग, हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी, ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी श्रद्धा से भारत लाए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। आप मुझे बताइए, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के हर कोने में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? ये कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है। आपके एक वोट से मजबूत सरकार बनी, निर्णायक सरकार बनी, सशक्त सरकार बनी, काम करने वाली सरकार बनी, और बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। साथियों,
जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन 6 लेन 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं, कहीं भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। पीलीभीत, भोजीपुरा और पीलीभीत से टनकपुर तक रेलवे के ब्रॉडगेज होने से एक्सप्रेस ट्रेन भी चलने लगी है। धनारा घाट पर 250 करोड़ की लागत से पुल बनाने का काम भी शुरू होने वाला है। इससे शारदा नदी के किनारे रह रहे हजारों लोगों को आसानी होगी। ये जो सुविधाएं बन रही है, ये किसानों और नौजवानों दोनों के लिए नए अवसर लेकर के आती है। पुरानी सरकारों के दौरान जो उद्योग यहां बंद पड़ गए थे, जो फैक्ट्रियां यहां बंद हो गई थी, उनको भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। पीलीभीत में एक तरफ बांसुरी की सुरीली आवाज है, तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़ भी है। हमारी सरकार पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ख्याति को भी देश और दुनिया के कोने कोने में ले जाने का काम कर रही है। यहां इको टूरिज्म का नया इकोसिस्टम बन रहा है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, पीलीभीत और ये पूरा क्षेत्र खेती किसानी के लिए भी जाना जाता है। आप याद कीजिए, 10 वर्ष पहले तक किसानों की क्या स्थिति थी? महंगे यूरिया की कालाबाजारी होती थी और किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी। आज यूरिया भी पर्याप्त मिलता है और लगातार मिलता है। जो बोरी दुनिया में 3000 रुपये में यूरिया की बोरी बिकती है, वो हमारी सरकार सिर्फ 300 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बोरी किसानों को देती है। यहां यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 70,000 करोड़ रुपये भी मिले हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। किसानों के बैंक खाते में 70,000 करोड़ रुपया ये मोदी सरकार ने पहुंचाया है, और इसमें से करीब 850 करोड़ रुपये यहां पीलीभीत के किसानों के बैंक खाते में पहुंचे हैं। साथियों,
कांग्रेस और सपा के राज में